रतनगढ़ तहसील के गांव लद्दासर में सर्व समाज की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मेघवाल धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए तथा साथ में ही ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। तत्पश्चात राजेंद्र कुमार बाकुलिया द्वारा बुद्ध वंदना की गई, जिसकी अध्यक्षता पर्वत सिंह राठौड़ ने की। मुख्य वक्ता अशोक कुमार आलड़िया अजाक अध्यक्ष ने बाबा साहेब के जीवन संघर्षों के बारे में बताते हुए उनके जीवन की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डाला। पुष्पलता मंडार शिक्षा अधिकारी ने बालिका शिक्षा एवं महिलाओं के उत्थान में बाबा साहेब की भूमिका के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि दिलीप कुमार बीडीओ ने शिक्षा वैसे अन्य का दूध है दूध पिएगा वह दाड़ेगा, इसलिए शिक्षा पर बल दिया। मुख्य अतिथि फकीर चंद दानोदिया सहायक निदेशक शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि वेद प्रकाश पवार ने बाबा साहेब पर्वत सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि रतनलाल मेघवाल पूर्व उप प्रधान सुगन चंद मंडार अधिशासी अधिकारी भवनलाल विशेष पूर्व पार्षद श्रवण कुमार सोडा जाबरमल कुसुम देसर जगदीश प्रसाद भाटी जगदीश प्रसाद घुगुरवाल शक्ति सिंह राठौड़ भगत सिंह किशन सिंह संदीप दानिया हनुमानाराम झाबड़ी अनिता सोडा सरपंच परमेश्वरी देवी आदि मंचस्थ अतिथि रहे। इस मौके पर गांव के प्रबुद्धजन एवं महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। पर्वत सिंह राठौड़ द्वारा गांव की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिसने इस वर्ष सरकारी सेवाओं एवं सामाजिक कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया एवं सरकारी सेवाओं में लगे। भीम युवा मंडल द्वारा पर्वत सिंह राठौड़ जयंत का बाबा साहेब की प्रतिमा एवं संविधान भेंट देकर सम्मान किया गया। पर्वत सिंह राठौड़ ने आगंतुकों अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लद्दासर गांव के सभी निवासियों ने पर्वत सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन भीषण सिंह पड़ियार एवं मंगतुरा मंडेवाल ने किया। हम नाच करते हैं बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम में बोलने की शुरुआत करते हैं। जय भीम काफी दिनों से सुन रहे हैं बोल रहे हैं कि जय भीम का क्या मतलब है, तो जय भीम का मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर की जय। डॉक्टर अम्बेडकर की जय का मतलब उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी नैतिकता और भारतीय संविधान की देश विदेश में जय। तो शायद सभी प्रभु नागरिक बैठे होंगे। जितनी भी प्रकार की सारी सरकारी ये व्यवस्थाएं हैं ये बाबा साहेब की ही देन है। अभी मैंने ये प्रोग्राम किया, आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत लद्दासर गांव की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। पूरे गांव की ओर से और मैं एक छोटा सा मेरे सरपंच साहब से अभी विचार विमर्श किया लद्दासर सरपंच से कि आप यहाँ क्या कह सकते हो। उन्होंने अभी घोषणा की है, अभी घोषणा करके गए, मेरे को बता के गए कि मेन रोड से लेके मूर्ति तक इंटरलॉक ब्लॉक सीसी ब्लॉक एसएफसी मद से 10,00,000 रुपए उन्होंने घोषणा की है। प्लस साथ में ये जो सामुदायिक भवन है इसकी निर्माण की स्वीकृति, इसकी रिपेयरिंग की स्वीकृति उन्होंने जारी कर दी है। आंगनवाड़ी की रिपेयरिंग की स्वीकृति जारी कर दी है, शायद मस्टोल जारी हो गया। हमारे साथ हैं आज जो लद्दासर ग्राम में जो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उस अनावरण में अहम भूमिका निभाने वाले पर्वत सिंह जी राठौड़ साहब, जैन साहब, जिनके सौजन्य से संविधान निर्माता बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा यहाँ लद्दासर में लगी। जानते हैं आदरणीय जैन साहब से कि आपने बाबा साहब की जो ये प्रतिमा लगाई है उसके बारे में। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मीडिया पधारे। धन्यवाद आपने मेरे को नहीं पूरे ग्रामवासी को दो और पूरे मोहल्ले को दो आप धन्यवाद। इनके सौजन्य से ये प्रोग्राम हुआ है, ये मेरी एक टीम है और टीम भावना से इन्होंने काम किया है और इसको अच्छा रूप दिया है अनावरण। जो प्रगतिशील विचार है उसके तहत इन्होंने मूर्ति यहाँ लगाई है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो महापुरुष मूर्तियाँ लगाई जाती है उनके विचारों पे संपूर्ण ग्राम में इस बात का प्रभाव पड़ेगा। जो भी वक्ता है गाँव के लोगों ने सुना वो इस महामानव के विचारों को ग्रहण करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसका यही विचार जो व्यवहार है वो अपने जीवन में उतारेंगे। जरूर सर।